हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब भाई? मस्त रहो, एकदम चिल रहो। आज मैं आपको दिखाता हूँ अपनी टफी की डिलीवरी। मैं अपने पपीज की फीमेल की डिलीवरी कैसे करवाता हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। एक तो सिर्फ ध्यान से आपको वीडियो देखनी है और प्लस आपको मेरी बात सुननी है। अगर आप स्किप करोगे, आगे पीछे करोगे तो आप कुछ मिस कर जाओगे, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा और आराम से सुनिए बैठ के। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी ये देख सकते हैं, ये है मेरी प्यारी टफी। टफी ने ऑलरेडी 6 तारीख को पपीज डिलीवरी कर दिए हैं और देख सकते हैं अभी फीमेल टफी पपी डिलीवरी करने वाली है। हरदम ध्यान रखें, जब भी आपकी फीमेल डिलीवरी करने वाली होती है तो वो काफ़ी हाफती है, लंबे लंबे सांस लेते हैं। उस कंडीशन में आपको अपनी फीमेल के पास पानी जरूर रखना है, उसको अपने उसके फेस पर ही पानी दिखाना है, पास में नहीं रखना, उसके फेस पर ही दिखाना है ताकि वो पानी पी सके। ऐसी कंडीशन में क्या है, फीमेल पानी भी पी नहीं सकती है खुद जाके। हरदम ध्यान रखें इन चीज़ों को जो मैं आपको बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो जो चीज़ को आपको ख्याल रखना है, नोटिस करना है, मैंने पूरा कंप्लीट मैंने वीडियो में दिखाया आपको। जब आपकी फीमेल पप्स डिलीवरी करती है, आपको कैसे डिलीवरी करवानी है, क्या ध्यान रखना है, एकदम अच्छे से इसमें दिखाया है। अगर आप ये वीडियो देखोगे लास्ट तक, आपको अपनी फीमेल की डिलीवरी और क्या केयरिंग करनी चाहिए उनमें कोई इशूज़ नहीं आएगा। हरदम ध्यान रखिए, एक तो पहले बात हरदम ध्यान रखिए, आपके पास अगर आपकी फीमेल डिलीवरी कर रही है, आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, टिश्यू पेपर्स होने चाहिए या साफ क्लॉथ्स कपड़े होने चाहिए एकदम, और प्लस धागे की रील होनी चाहिए जैसे हम कपड़ा सीते हैं, और एंड थोड़ा सा शहद होना चाहिए, एंड प्लस बस ये आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। अभी देख सकते हैं मेरी फीमेल ने पप्स डिलीवरी कर दिया है, निकाल दिया। अब देखिए बहुत बार कंडीशंस कैसी होती है, हरदम ध्यान रखिए, फीमेल पपी बाहर पूरा डिलीवरी नहीं कर पाती है, ये देख सकते हैं अभी। और फीमेल हर बार डिलीवरी नहीं कर पाती है फुल पपी, ये देख सकते हैं अभी। जो पपी तो बाहर आ गया, बट जो थैली है वो अंदर ही फंस गई है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से अपना कॉर्नर से एकदम पकड़ना है। आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आराम आराम से एकदम प्यार से खींचना है, झटका बिल्कुल नहीं मारना है, बहुत प्यार प्यार से आराम से खींचना है जिससे कि वो थैली बाहर आ जाए। और वही वो थैली होती है जिसे फीमेल लास्ट में खा जाती है अपने पपी की सफाई करने के बाद, और जिससे आपके फीमेल को इन्फेक्शन होता है, मिल्क में इन्फेक्शन हो जाता है पपीज़ के। काफ़ी लोगों के पपीज़ एक्सपायर हो जाते हैं, हर एक एक दो दो घंटे बाद एक्सपायर होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि फीमेल अपनी गंदगी खा जाती है। मैंने बहुत आराम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, और बहुत प्यार से हरदम खींचना, ताकत कभी भी नहीं लगाना है, ज़्यादा झटका नहीं मारना है, बहुत ही एकदम स्मूथली आपको अपने पपी को कॉर्नर से पकड़ के एकदम खींचना है जहाँ से उसकी नाल चिपकी रहती है। देख सकते हैं मैं कैसे प्यार से खींच रहा हूँ, एकदम बहुत ही स्लोली आराम से खींचना पड़ता है, ताकत नहीं लगानी है आप लोगों को बिल्कुल भी इसको खींचने के लिए। बहुत ही प्यार प्यार से एकदम खींचना है, ये गंदगी आराम से बाहर आ जाती है। और सारे पपीज़ में यही सेम कंडीशन रहा था कि मेरे को टफी की सारे पपीज़ की डिलीवरी इसी तरीके से करवानी पड़ी थी और करी थी मैंने। तो ये देख सकते हैं बहुत आराम से आ रहा है फीमेल, आपको देखने के लिए मिलेगा कि गंदगी कैसी होती है। जो लोग नहीं देखते हैं, जो सोचते हैं फीमेल के ऊपर ही डिपेंड छोड़ देते हैं कि वो अपनी फीमेल अपने आप खुद कर लेगी, हिसाब कर लेगी, उन लोगों के लिए ये वीडियो खास कर है। ये देख सकते हैं ये जो अभी गंदगी निकली है, थोड़ा सा स्लो मोशन मैंने चलाया हुआ है, तो ये गंदगी रहती है जो आपकी फीमेल खा जाती है जिससे उनकी मदर फीडिंग में इन्फेक्शन होता है। तो हरदम ध्यान रखें, अपने पपीज़ को कभी फीमेल के हाथों में ना छोड़ें, आप खुद रहें फीमेल के पास और उसकी क्लीनिंग अच्छे से करें। और बहुत से लोग होते हैं ज्ञान बांटने वाले जिनको खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, हरदम ध्यान रखिए। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया आपने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, ग्लव्स यूज़ किए थे भैया, बोलने और कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है, हरदम ध्यान रखिए। तो इन फ्यूचर जब भी आप ग्लव्स पहनोगे तो आप पहली बात ये वर्क नहीं कर पाओगे अच्छे से, क्योंकि इतना स्मूथ होता है, चिकना होता है कि आप पपीज़ को हैंडल नहीं कर पाओगे अपने हाथों से। तो इसलिए अपना जो ज्ञान देना चाहता है वो अपने पास ही रखे, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। तो अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं और देख सकते हैं अभी मैंने कहाँ से नाल को एकदम बांध दिया है, और उसके बाद नीचे से आपको काट देना है। ये जो आपने काट नाल होती है, अगर आप इसको नहीं बांधते हो तो इसमें क्या इन्फेक्शन होने का चांसेस हो जाता है, अंदर जम सुन सकते हैं, बैक्टीरिया घुस सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी टुंडी नाभि में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर और ये जो आप बांधने के बाद क्या है, मोर देन 1 या 2 डेज में झड़के अपने आप गिर जाता है। और अपनी जो फीमेल है उसको ध्यान रखें, वो फीमेल को इसको ना चाटें, क्योंकि इसमें से चाटने की वजह से ब्लडिंग्स होती है। तो हरदम ध्यान रखें इन चीज़ों का।
तो देख रहे हैं मैं कैसे साफ कर रहा हूँ, बहुत प्यार से आराम से सफाई कर रहा हूँ, नीट एंड क्लीन कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको क्लीन करना है, साफ कपड़ा लेना है, कॉटन का लीजिए, जिससे कि पप्पी आपका एकदम साफ हो जाए, नीट एंड क्लीन। ये देख सकते हो मैंने दूसरा वापस से साफ कपड़ा लिया है। तो ऐसे ही एकदम बहुत प्यार प्यार से टच करके अपनी पप्पी को साफ करना है। लास्ट में अपनी फीमेल के फीमेल को अब इस फेस चटवा देना है इसका पास में करके। अब देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आपको सेम ऐसी कंडीशन रखनी है। मैं अपनी फीमेल की सारी बहुत अच्छे से ऐसे ही डिलीवरी करवाता हूँ, मुझे कोई भी अभी तक इशूज़ नहीं आए हैं। बहुत इशूज़ वाले मेरे पास कॉल कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारी फीमेल्स को ये इशू है ये, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, आप उसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट आप ध्यान रखिए, आप देख सकते हैं मैं पपीज़ को जो मैंने आपको बताया था शहद, तो शहद क्या काम करता है, शहद जब पपीज़ होते हैं तो अब डायरेक्ट तो अभी मदर मिल्क में नहीं लगा सकते, तो शहद थोड़ा सा हम इनके मुंह पे चटाने से, ये देख सकते हैं मैं शहद कैसे चटाऊंगा, सिर्फ एक चुटकी लेना आपको, हल्का सा टच करना और सीधा मुंह खोल के हल्का सा इनके होठों पे आपको लगा देना, जिससे क्या है आपका पपी मुंह चलाता रहेगा और इसको थोड़ा सा एनर्जी भी मिलेगी खाने से। आप मोर देन आप एक बूंद चटाने के बाद एक घंटा तक आराम से, एक डेढ़ दो घंटा आराम से अपने पपी को रेस्ट में साइड में रख सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जिसके नए पपीज हैं, जो ब्रीडिंग लाइन करना चाहते हो, जो इन फ्यूचर्स कभी अपनी फीमेल से पप्स लेना चाहते हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई भी इशूज़ हो अपने भाई को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।